दोस्तों आज हम बनाने जा रहा है एक फ्लोट सेंसर। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक फ्लोट सेंसर बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक आई ड्रॉप का बोतल लिया है। आई ड्रॉप का बोतल के अंदर भी एक जो ढक्कन देख सकते हैं। अब इसका जो कैप है इसको हम थोड़ा सा ऊपर से काट लेंगे। अभी हमारा अंदर वाला जो ढक्कन था उसके ऊपर सुई से दो छेद करेंगे और उसके अंदर दो कॉपर वायर को डाल देंगे। कॉपर वायर हम एनामेल कॉपर वायर नहीं लेंगे क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग रहता है, अगर आप लेते हो तो कोटिंग हटा देना। तो इसी तरीके से मैं दो छेद कर दिया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि फ्लड दो तरह का होता है। एक होता है फ्लश फ्लड जो अचानक आने वाले बहुत बारिशों से होता है, ये सूखे क्लाइमेट से एरिया में ज़्यादा होता है। और दूसरा होता है रिवर फ्लडिंग। अब ये हाई टाइड से हो सकता है, अब बांध टूटने से भी हो सकता है और जो बर्फ़ है ये गलने से भी हो सकता है। दोस्तों आप लोगों ने सभी ने साइकिल के बेयरिंग बॉल को दिखा ही होगा। अब ये मैंने साइकिल के दुकान से 1 रुपये में 2 खरीदा था। अब इसको बॉल को जब मैं इस ढक्कन के अंदर रख रहा हूँ तो देखिए कनेक्शन बन रहा है। अब ये कनेक्शन बहुत लूज़ है इसलिए इसको सुधारना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक BC547 NPN ट्रांजिस्टर लूँगा। उससे पहले हम इस फ्लोटिंग सेंसर को अच्छी तरीके से सील कर देते हैं। फास्ट तो हम इसे सुपर ग्लू से सील करेंगे, उसके बाद हॉट ग्लू से भी सील कर देंगे क्योंकि ये सेंसर पानी के नीचे रहेगा तो पानी के दबाव से ये इसके अंदर पानी जा सकते हैं तो हमारा सेंसर बहुत ईजिली ख़राब हो सकता है। अब हमारा आई ड्रॉप वाले बॉटल का ऊपर वाला जो ढक्कन था उसके ऊपर एक छेद करेंगे। इसके अंदर से हम लोग तार को ले जाएंगे। अब उसके साइड में भी हम एक छेद करेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों को ऐसे टांगना पड़ेगा। दोस्तों क्योंकि हम लोग एक फ्लड सेंसर बना रहे हैं तो इसके माध्यम से हम हाई टाइड को भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तब हाई टाइड में भी पानी तो बाढ़ जैसे ही आ जाता है। दोस्तों अगर हम बाढ़ आने से 1 घंटा पहले भी कदम उठा ले तो वो भी बहुत। दोस्तों मैनग्रोव फॉरेस्ट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, तो यहाँ पर इस फ्लोट सेंसर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा जाता है। लेकिन वहाँ पर जो फ्लोट सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरीके का नहीं होता है, वो थोड़ा अलग होता है। और दोस्तों मैंने यहाँ पर जो सेंसर को बनाया है फ्लोट सेंसर को, ये दो सेंसर का कॉम्बिनेशन है। एक तो फ्लोट सेंसर है और दूसरा है वाटर लेवल इंडिकेटर। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये फ्लोट सेंसर ही, ये पानी के नीचे रहेगा। अब इसके साथ एक एंड गेट को जोड़कर हम एक दूसरे जो वाटर लेवल इंडिकेटर है इसको भी लगाएंगे। दोस्तों इससे होगा ये, हमारा दो सेंसर जब एक्टिवेट होगा तभी हमारा जो फाइनल जो बाजर और LED है वो जलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सेंसर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मान लीजिए मैं जहाँ पर एक वाटर लेवल इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा तब अचानक से आने वाले बारिश से भी ये एक्टिवेट हो सकता है। और दोस्तों ये है एक BC547 ट्रांजिस्टर जिसका कलेक्टर बेस और एमिटर पिन आप लोग देख लीजिए। बेस पिन के साथ हम 100 ओम का एक रेजिस्टेंस को लगाया है। अब इसके साथ हम हमारा जो फ्लोट सेंसर है इसको भी लगा देते हैं। अब इसी तरीके से कनेक्शन बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जब ये लूज कनेक्शन बनाएगा तब भी हमारा ये बाजार जो LED है ये जलेगा। अब LED के साथ पॉजिटिव लेग के में मैंने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया है ताकि ये फ्यूज़ ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव पावर सप्लाई देता हूँ कलेक्टर में और हमारा बाजार और LED का जो पॉजिटिव लेग है इसको भी हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पिन है या फिर 3 नंबर जो पिन है इसमें कनेक्ट करेंगे। और साइड वाला जो आप लोग देख सकते हैं ब्लैक वाला वायर ये नेगेटिव का है और पॉजिटिव पावर सप्लाई तो हम कलेक्टर में ही देते हैं। 3.5 वोल्ट का एक पावर सप्लाई देकर देखते हैं। देखिए ये सेंसर जब मैं उलट रहा हूँ तो ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा वाला सेंसर है वाटर लेवल इंडिकेटर इसे भी बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दो साइकिल का जो स्पोक आता है इसको लेंगे। अब इसको हम एज ए सेंसर लेग की तरह हम यूज़ करेंगे। दो तार की मदद से इसे जोड़ लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम लोग हॉट ग्लू की मदद से भी थोड़ा ढक देंगे ताकि ये जो हमारा कनेक्शन है ये समय के साथ ये जंग ना पड़ जाए या फिर ख़राब ना हो जाए जल्दी से। अब यहाँ पर मैं एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करूँगा जनरल पर्पज़ BC547 ट्रांजिस्टर का जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। आप PNP ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस सेंसर लेग को आप लोगों को बेस और नेगेटिव पिन के बीच में गाइड करना होगा अगर आप PNP ट्रांजिस्टर यूज़ करते हो। और ये जो NPN ट्रांजिस्टर है इसके बेस के साथ 100 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया क्योंकि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है इसलिए हम सेंसर लेग को इसका जो बेस पिन है इसके साथ और पॉजिटिव लेग में कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव लेग यानी इसका जो कलेक्टर पिन है उसके साथ या फिर 1 नंबर पिन भी आप लोग बोल सकते हो। अब जो हमारा थर्ड पिन है यहाँ पर हम हमारा बाजार और LED का पॉजिटिव लेग को कनेक्ट करेंगे। अब जो हमारा नेगेटिव पिन है बाजार और LED का यहाँ पर ही हम नेगेटिव पावर सप्लाई देंगे और पॉजिटिव पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर का फास्ट पिन में देंगे। दोस्तों मैं जहाँ पर रेड वायर को कनेक्ट करूँगा वहाँ पर मैं पॉजिटिव पावर सप्लाई देता हूँ और जहाँ पर मैं ब्लैक वायर को कनेक्ट करता हूँ वहाँ पर मैं नेगेटिव पावर सप्लाई देता हूँ या फिर GND पिन होता है वो। अब देखिए मेरे स्किन पर टच करने पर भी ये सेंसर लेग एक्टिवेट हो रहा है बाजार और LED। अब पानी पर टच करने पर यह तो जलेगा। अब हमारा जो दो सर्किट था इस सर्किट में बाजार और LED को हटा देंगे, दोनों सर्किट से ही हटा देंगे। अब 817 एक ऑक्टोकॉपलर लेंगे। ऑक्टोकॉपलर में जिस साइड एक IR LED रहता है
उसको इस एलईडी और बाजार की जगह कनेक्ट कर देंगे। अब मैंने जितने भी काम किया है तो मुझे लगा 817 ऑक्टोकपलर से एक एंड गेट को बनाना सबसे ईजी होता है। तो फास्ट वाले जो ऑक्टोकपलर है इसका जो एमिटर पिन है इसको बेंड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और दूसरे वाले जो ऑक्टोकपलर रहेगा उसका जो कलेक्टर पिन रहेगा उसको हम बेंड कर लेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये सभी प्रोजेक्ट का फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो वो भी मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन और मेरा दिल का द्वार दोनों ही खुला है। दोस्तों हम लोग एक डीसी बैटरी लेंगे और उसके साथ एक बाजार और एलईडी को डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे ताकि ये बाजार और एलईडी दोनों ही जले, और उस सर्किट में से पॉजिटिव तार को हम काट लेंगे और इस ऑक्टोकपलर के जो एमिटर और कलेक्टर वाला साइड है इसको हम एक स्विच की तरह इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर ये एंड गेट वाला फंडा आपको समझना है तो कुछ देर बाद पेन और पेपर की मदद से अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस बाजार और बैटरी के बीच में जो पॉजिटिव लेग है इसको हम लोग तोड़कर एक तार को हम लगाया कलेक्टर पर और दूसरे तार को हम लगाया दूसरे वाले जो फोटोकॉपलर है उसका एमिटर पिन के साथ। अब दोनों सेंसर का जो सर्किट है इसमें हम ट्रांजिस्टर के जो एमिटर पिन है इसके साथ हम 100 ओम का रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो फोटोकॉपलर का जो आयर एलईडी है ये फ्यूज ना हो जाए। ये एक्चुअली फोटोकॉपलर का जो आयर एलईडी है उसके एनोड पिन के साथ भी लगा सकते हो इस रेजिस्टेंस को। अब घुमा फिरा के बात तो हुई है पर कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने फिर से बता दिया। दोस्तों ऑक्टोकॉपलर का इस साइड एक आयर एलईडी है और आयर एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है इसके साथ हम रेड वाले जो वायर है इसको कनेक्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव वाले पिन में हम ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। और आयर एलईडी का जो एनोड पिन है या फिर पॉजिटिव पिन है वहाँ पर एक गोल वाला निशान बना होता है, इससे ही आप लोग समझ जाओगे कि वहाँ पर एनोड पिन है या फिर पॉजिटिव पिन, और उसके साइड वाला कैथोड पिन है या फिर नेगेटिव पिन। हम लोगों ने दोनों ऑक्टोकॉपलर का जो आयर एलईडी का जो एनोड पिन है उसके साथ जो रेड वाला वायर को कनेक्ट किया उसको हम लोग डायरेक्टली दोनों सर्किट का ही जहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस को लास्ट में ऐड किया है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा ये बात। अब दोनों ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन था यहाँ पर हम लोगों ने दोनों रेड कलर का तार लगाया था, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ऑक्टोकपलर का जो नेगेटिव वाला तार था दोनों इन दोनों को भी एक साथ कनेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग नेगेटिव पावर सप्लाई देंगे, और जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पिन था उन दोनों में एक साथ लगाकर उसमें हम पॉजिटिव पावर सप्लाई को देंगे। अब एक पावर सप्लाई के लिए आप लोग 18650 का 3.7 वोल्टेज का इस तरह का एक बैटरी यूज़ कर सकते हो या फिर 9 वोल्टेज का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा हमारा एक फोटोकॉपलर 817। अब इसको थोड़ा बारीकी से हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक फोटोकॉपलर 817 आईसी है। अब यहाँ पर एक एलईडी होता है आयर एलईडी, और यहाँ पर एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। आयर एलईडी जब ऑन होता है तो उसका रोशनी जब फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर पड़ता है तो कलेक्टर से एमिटर की ओर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अभी ये आयर एलईडी का एनोड पिन है, ये कैथोड पिन है, यहाँ पर मैंने लिखा है देख सकते हैं। अब मैंने दो जो फोटोकॉपलर है इनको साइड बाय साइड रखा है और इसका एमिटर इसका कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक एलईडी है, यहाँ पर बैटरी भी है। एलईडी का जो पॉजिटिव हिस्सा है ये बैटरी के पॉजिटिव हिस्से के साथ कनेक्टेड है। तो ये सर्किट तब कंप्लीट होगा जब ये एलईडी दोनों ही ऑन होगा, तो दोनों ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो होगा तब ये सर्किट ऑन होगा। एक अगर एलईडी ऑन ना हुआ तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये एलईडी नहीं जलेगा। तो इसी तरीके से हमने एक बनाया एंड गेट। अब दोस्तों क्योंकि बाण तो यहाँ पर नहीं आने वाला तो हम इस बाल्टी के अंदर ही आर्टिफिशियल बाण तैयार करते हैं। तो देखिए कैसे फ्लड आते हैं इस बाल्टी के अंदर।